हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम चंडी मा टेक चैनल है और मैं हमेशा से क्या एक टेक्निकल वीडियो लाता हूं दोस्त। तो आइए आज हम आपको बताते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर अगर आपका फोटोशॉप नहीं है जिसमें कि आप फोटो वगैरह एडिट करते हैं तो उस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे, इसके बारे में मैं उसका कुछ प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले तो आप पेन ड्राइव से या गूगल से डाउनलोड कर लें एडोब फोटोशॉप। मेरे पास देखें, मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ये फोल्डर है एडोब फोटोशॉप 7.0। ये देखें, अभी इसको सबसे पहले क्या करना है दोस्त, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखें, यहाँ पे एक आपको एक सेटअप फाइल मिलेगा, ये ग्रीन वाला, इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें दोस्त। इसको करें यस। यस करने के बाद देखें, आपके पास ये एडोब फोटोशॉप का ये लोगो आएगा, फिर ये फोटोशॉप का खुलेगा। यहाँ आने के बाद आप इसको नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट करने के बाद क्या लिखा है ये देखें, इसमें फिर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है दोस्त। तो यूएस इंग्लिश ही रहने दें, इंग्लिश में आएगा ये। नेक्स्ट करते हैं, फिर ये इसका यूजर का लाइसेंस एग्रीमेंट होता है दोस्त, इसको ओके करें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि सीरियल नंबर, जैसे इसका फोटोशॉप का की, तो अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखें, इसी के अंदर ये एक की है दोस्त, ये देखें यहाँ पे, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, सॉफ्टवेयर के अंदर ही की होता है। देखें, सीरियल नंबर एक की लिखा है, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस आएँ यहाँ पे और जहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर यहाँ पे लाके कंट्रोल भी से पेस्ट कर दें। देखिए, ये पेस्ट हो गया की। बाकी अगर आपको इसमें कुछ भरना चाहते हो तो भरें, नहीं तो जैसे कुछ भी दे देते हैं इसमें, हम कुछ भी दे दो, टाइटल खोज रहा है, फर्स्ट नेम में दे देते हैं, यूजर, लास्ट नेम, कंपनी नेम में भी दे दो, एडमिन, मतलब ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ दोस्त, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं। देने के बाद नेक्स्ट करें। चलो ये भी भर देते हैं, ये भी बोल रहा है भरने के लिए, इसको भी भर देते हैं, ये भी भर दिया मैं। ये देखें, यहाँ कर दिया। ये देखें, हमेशा ये दो ऑप्शन आएगा, एक टाइप कल एक कस्टम, तो हमेशा आप कस्टम वाले पे करें, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट करें, फिर देखें ये इतना इसके अंदर प्रोग्राम है, फिर नेक्स्ट करें, फिर नेक्स्ट कर दें दोस्त, फिर ये आएगा। ये देखें, ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। तो क्या है, आप अपने कंप्यूटर में इस तरीका से एडोब फोटोशॉप 7.0 को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर में फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है, एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इस तरीका से क्या है दोस्त, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा से लाइव वीडियो बनाता हूं दोस्त, कोई मतलब आपको गलत तरीका से वीडियो नहीं बनाता हूं, जो भी है मेरा जेन्युइन वीडियो होता है। मेरा वीडियो देख के आप ग्राउंड में एक्चुअल में काम करेगा वो, और जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन बताता हूँ वो इंस्टॉल होगा, अगर नहीं होगा तो हमारे चैनल को आप डिसलाइक कर दें। मेरे पास थोड़ा साधन का अभाव है दोस्त, जैसे ही मेरा चैनल ग्रो होगा तो हम भी आपको और अच्छा से अच्छा वीडियो देने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, बोल रहा है कि डिस्प्ले फोटो रीडमी, मतलब बोल रहा है कि डिस्प्ले पे एक थैंक यू लिख गया, इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद चलिए अभी मैं डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखते हैं फोटोशॉप आया नहीं आया। अगर ना आए तो क्या करना है दोस्त, यहाँ पर सर्च में जाना है। देखें, सर्च में जाना है, इसमें लिखना है PHO। ये देखें, ये आ गया ना, ये PHOTO फोटो SH। ये देखिए, एडोब फोटोशॉप आ गया। इस पर राइट क्लिक करें और देखें, पिन टू स्टार्ट है ना, यहाँ पे पिन कर दें दोस्त, पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। अभी देखिए, हमने टास्क बार पे पिन किया, अभी देखिए यहाँ पे आपका ही फोटोशॉप आ गया। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए हमारा फोटोशॉप का फाइनली, ये देखिए दोस्त, सॉफ्टवेयर खुल गया, अब आप फोटो एडिट कर सकते हैं। ये देखें, ये कर देते हैं, ये देखें, ये दोस्त पूरा विजार्ड आपका खुल गया। तो आप इस तरीका से क्या है, फोटोशॉप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।